पास और आप देख रहे हो VIP टैग्स ऑन। तो दोस्तों आपका भाई आप सबके लिए एक और वायरल ट्रेंडिंग वीडियो का ट्यूटोरियल लेके आ चुका है, जो कि इस टाइम इंस्टाग्राम रील्स पे बहुत ही ज़्यादा वायरल और ट्रेंडिंग में चल रहा है, जिसको आप लोगों ने भी स्टार्टिंग में मेरे स्क्रीन पे इंट्रो में देखा होगा। तो अगर आप लोग भी कुछ इसी तरीके का एक ट्रेंडिंग वीडियो अपनी फ़ोटो के साथ क्रिएट करना चाहते हो या फिर किसी अपने फ्रेंड के फ़ोटो पर, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इस तरीके की वीडियो कैसे एडिट करते हैं ओनली वन क्लिक में। इसमें दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना, एलाइट मोशन एप्लीकेशन पर हम लोग एडिटिंग करेंगे और बिल्कुल सिंपल वे में, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। चलते हैं वीडियो के तरफ, अपने मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं और सब कुछ आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि एक चीज़ इस वीडियो को कैसे एडिटिंग करना है। खाली आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक पूरा पूरा वॉच करिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना। तो फटाफट से चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों मैं आ चुका अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आप लोग एक काम करना, अगर आपके पास एलाइट मोशन नहीं है, जो मैं यूज करता हूँ प्रो वर्जन, जो कि प्रीमियम वर्जन है, अगर आपके पास ये वाला वर्जन नहीं है, तो इस वाले एलाइट मोशन का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिलेगा, उधर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। बाकी ये जो एप्लीकेशन है, पूरा पूरा एप्लीकेशन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड किया है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाइए टेलीग्राम चैनल पे और वहाँ पे मैंने पिन करके रखा हुआ, तो एलाइट मोशन को उधर से डाउनलोड करिए। उसके बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दे रखा है जो कि बीट मार्क प्रोजेक्ट के नाम से रहेगा, इस पर क्लिक करना कुछ इस तरीके से रहेगा, ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, तो ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा एलाइट मोशन एप्लीकेशन पे। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, ये रिडायरेक्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, आप लोग देख सकते हैं। क्लिक करना, उसके बाद कुछ भी मत करना, ये डायरेक्ट एलाइट मोशन पे ओपन हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले अगर आपके पास एलाइट मोशन नहीं, तो उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल जरूर कर लेना। उसके बाद इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, 0 से 100% तक का प्रोसेस लेगा। उसके बाद हमारा जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना, सारा कुछ जितना भी यहाँ पे लेयर्स वगैरह है, जितना मटेरियल है, ऑलरेडी हमने सब कुछ ऐड कर दिया है, खाली आपको अपनी फ़ोटो को इधर ऐड करना है। लेकिन दोस्तों अभी वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो काट के चले जाओ, आप तुरंत सीधे जाके प्रोजेक्ट को ऐड करो और फ़ोटो ऐड कर दो। लेकिन दोस्तों इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ़ोटो को ऐड कैसे करना है, कहाँ पे कैसे फ़ोटो को ऐड करना है, ये आपको देखना पड़ेगा। बिल्कुल लास्ट तक देखोगे तभी समझ में आएगा कि फ़ोटो को कैसे ऐड करना है, यही मेन चीज़ है दोस्तों। फ़ोटो को ऐड करने के लिए सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग पॉइंट पे आने के बाद दोस्तों थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना, नीचे आओगे तो यहाँ पे एक ब्लू कलर का रहेगा और उस पर इमेज लिखा हुआ रहेगा, इस पर क्लिक करना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ओके का एक ऑप्शन आएगा, तो इस पर आप लोग क्लिक कर देना, इससे कोई दिक्कत नहीं। कलर एंड फिल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना और यहाँ पर सिलेक्ट मीडिया के सामने एक स्टार का आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक करना। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अपने फोल्डर से आप अपनी फ़ोटो को इधर से सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर अपने किसी फ्रेंड की, या फिर MAV1TAI जो भी हैं रैपर भाई, उनकी फ़ोटो को आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से फोल्डर में मेरे बहुत सारी फ़ोटोज़ पड़ी हैं, तो इधर से मैं एक फ़ोटो को चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक बार ऐसे बैक कर देंगे। बैक करने के बाद देख सकते हैं हमारी फ़ोटो ऐड हो गई है, और फ़ोटो को ऐड करने के बाद गजब का एक इफेक्ट भी लग चुका है, ठीक है। सो ऐसे करने के बाद अभी आगे आ जाएंगे, नेक्स्ट वाले बीट मार्क पे आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने बीट मार्क लगा रखा है, उसी के अनुसार आपको फ़ोटोज़ को इसमें ऐड करना रहेगा। तो फटाफट से अभी ये इसमें देख सकते हैं, जो ब्लू कलर का इसमें दिख रहा है, इनमें फ़ोटोज़ को ऐड करना है। तो फ़ोटोज़ को ऐड करने के लिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट वाले बीट मार्क पे आएंगे, इस ब्लू वाले लेयर पे क्लिक करेंगे, ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कलर एंड फिल पे जाएंगे, स्टार पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपनी सेकंड फोटो को ऐसे ऐड कर लेंगे, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और स्क्रीन पर कहीं भी ऐसे टच कर देंगे। तो सेकंड वाले लेयर पर क्लिक करेंगे, ओके क्लिक करेंगे, कलर एंड फिल पर जाएंगे, यहाँ सेलेक्ट मीडिया पर क्लिक करेंगे और इधर से फिर से सेम फोटो को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से फ़ोटोज़ को ऐड करना है, फटाफट से मैं कुछ इस तरीके से करके आपको दिखाता हूँ, वन बाय वन कुछ इसी तरीके से फोटोज़ को आपको ऐड करना है। तो कुछ दूर तक आपको सेम फोटो को यूज़ करना है, तभी अच्छे से इफेक्ट लगेगा। जैसे कि मैं स्टार्टिंग में देख सकते हो सेम फोटोज़ को यूज़ कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक वॉच करना है, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा कि यहाँ पे फ़ोटोज़ को कैसे ऐड करना है, कहाँ पे कितनी फ़ोटो लगेंगी, तब ये वीडियो अच्छा लगेगा, तब ये वीडियो अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, कलर एंड फिल पे जाना, सेलेक्ट मीडिया पे क्लिक करके ऐसे फ़ोटोज़ को आपको ऐड करना है। खाली आपको इस वीडियो को अच्छे से वॉच करना है, तभी आप अच्छे से इस वीडियो को एडिट कर पाओगे। देख सकते हो कितने अच्छे से हम यहाँ पर फ़ोटोज़ को ऐड करते जा रहे हैं और हमारा वीडियो जो है क्रिएट होता जा रहा है।
तो यहाँ पे फिर से एक फोटो को चूज़ कर लेंगे। इस फोटो को चूज करने के बाद फिर से नेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट वाले पे क्लिक करने के बाद ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कलर एंड फिल पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट मीडिया पे जाएंगे और इधर से नेक्स्ट वाली फोटो को ऐड कर लेंगे। उसके बाद स्क्रीन में कहीं भी ऐसे टच करेंगे और यहाँ पे फिर से इस वाले लेयर पे क्लिक करेंगे, कलर एंड फिल पे जाएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे अपनी फिर से सेम फोटो को। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आने के बाद अभी यहाँ से देख सकते हैं 15.21 सेकंड के आगे से हम लोग दूसरी फ़ोटो को यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे आने के बाद हम लोग इस पर क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे, कलर एंड फिल पे क्लिक करेंगे, फिर से सेलेक्ट मीडिया पे जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद हम लोग अपनी सेकंड वाली फ़ोटो को इधर चूज़ कर लेंगे। तो सेकंड वाली फ़ोटो दोस्तों आप कोई भी इसमें से चूज़ कर सकते हो। बाकी ये जो मैं यहाँ पे फ़ोटोज़ को यूज़ कर रहा है, इन फ़ोटोज़ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मटेरियल सारा टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, उधर से जाइए फटाफट से डाउनलोड करके इधर आप लोग यूज़ करिए। तो फटाफट से मैं अपनी सेकंड फ़ोटो को कुछ इस तरीके से यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ जो कि ये वाली है। फ़ोटो को चूज़ करने के बाद यहाँ पे सेम इसी तरीके से फिर से नेक्स्ट लेयर पे क्लिक करेंगे और फिर से सेम फ़ोटो को यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे इस फोटो को प्लस वाले आइकन पे क्लिक करते हैं। तो फटाफट से मैं एक एक करके फ़ोटोज़ ऐड करता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए वीडियो को, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पे फोटोज़ को ऐड करने के बाद हमारा जो वीडियो है, हमारा जो रील वीडियो है वो कम्प्लीटली बन के रेडी हो जाता है। खाली इसमें आपको फ़ोटोज़ को ऐड करना है, बाकी सारी लेयर्स जो सारा मटेरियल है ऑलरेडी मैंने इसमें ऐड करके रखा हुआ है। आप फोटोज़ को ऐड करेंगे आपका जो वीडियो है कम्प्लीटली बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद इस वीडियो को आप कहीं भी शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम रील्स पर या फिर यूट्यूब शॉर्ट पर, कहीं भी सोशल मीडिया ऐप्स पर आप लोग शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को हम लोग सेव कर लेंगे अपनी गैलरी में। वीडियो को गैलरी में सेव करने के लिए इधर राइट साइड में ऊपर कॉर्नर पे एक एरो का आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक करना और यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक वीडियो का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसका जो एक्सपोर्ट रेजुलेशन है आप लोग इसको 1080p फुल HD कर देना और यहाँ पे इसका फ्रेम रेट फुल कर देना और सबसे नीचे में एक ऑप्शन मिल जाएगा एक्सपोर्ट का, यहाँ पे क्लिक कर देना। सो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग थोड़ा सा वेट करना, ये एक्सपोर्टिंग का प्रोसेस लेता है 0 से 100% तक का। तो थोड़ा सा वेट करोगे तो जैसे ये 100% कंप्लीट होगा उसके बाद एक सेव करने का छोटा सा ऑप्शन दिखाई देगा, एक आइकन दिखाई देगा, तो उस पर आप लोग क्लिक कर देना तो डायरेक्ट आपके गैलरी में आपके फोल्डर में ये वाला वीडियो सेव हो जाएगा, ठीक है। तो आज की जो वीडियो थी यही थी। आई होप कि आज वाली वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर आप सबको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना ताकि उनको भी इस वीडियो को एडिट करना आने लगे, ठीक है, वो भी सीख सके इस वीडियो को एडिट करना।
बाकी जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से एक रेड कलर के नीचे बटन मिलेगा उसको दबा दीजिए और घंटे का आइकन आएगा उसको ऑन कर देना, इनेबल कर देना, ताकि जब भी कोई एक नई वीडियो अपलोड हो तो उसका जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।